हेलो नमस्ते एवरीवन, डे 12 डिटॉक्स 12 में आज मैं लेकर आई हूँ चिया बेसल सिनेमन ड्रिंक। कैसे बनाना है? सबसे पहले यहाँ पे हाफ टेबल स्पून चिया सीड लिया है, हाफ टेबल स्पून बेसल सीड लिया है। दोनों को पानी में 2 घंटे के लिए सोक करेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों ही सीड डिफरेंट होता है, दोनों के प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं, बेनिफिट भी डिफरेंट होता है। क्या आपको पता है इसका क्या बेनिफिट है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन और ऐड किया है 1.5 ग्लास वाटर। और इसके बाद जो मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है यानी सिनेमन, वो ऐड करेंगे। एक स्टिक लिया है, इसको तोड़ के हम यहाँ पे डालेंगे और बॉईल करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास सिनेमन पाउडर है तो 1/4 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रिंक के बेनिफिट की बात करें तो चिया और बेसल सीड की वजह से ये फाइबर रिच होता है, आपके बॉवल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर ब्लॉटिंग या गैस का प्रॉब्लम रहता है तब भी ये ड्रिंक आपके लिए बेस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपके फैट बर्निंग में हेल्प करता है और आपके वेट लॉस में सपोर्ट करता है, आपके बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। बेसल सीड कूलिंग प्रॉपर्टी भी आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है, तो इस समर में आप इसे ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है क्योंकि चिया बेसल सिनेमन लेमन सारी ही चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट होता है। बॉईल करने के बाद मैंने ड्रिंक को छान लिया है और छानने के बाद जो सोक किया हुआ बेसल सीड और चिया सीड था वो ऐड करेंगे। और उसके बाद जो मेरा लास्ट इन्ग्रीडियंट है यानी कि लेमन जूस, वो डाल के मिक्स कर देंगे और इसके बाद आप इसे पी सकते हैं। इसे पीने का जो राइट टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, वीक में 5 डेज ही आप ले। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।